मेरे पिताजी श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर जो सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का काम किया, जो जनसंघ के समय से थे और उन्होंने निरंतर पार्टी को पूरा योगदान देते हुए पार्टी सुरखी विधानसभा क्षेत्र में खड़ी की है। मैं उनका पुत्र धीरज सिंह ठाकुर जो आज किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष के रूप में हमें जो दायित्व मिला है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हम पे जो जवाबदारी दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर मैं खरा उतरूं और किसान मोर्चा को पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं। किसान मोर्चा में किसानों के लिए मैं कार्यकर्ता रहूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला, तो मैं मानता हूं सुरखी विधानसभा क्षेत्र में सभी जानते हैं हमारे पिताजी से कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं था और हमें खुद 35 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हो गए हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को काम देना हमारे सुरखी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री जी का मैं तो मानता हूँ प्राथमिकता से काम है। पुराने कार्यकर्ताओं को काम भी दे रहा, उनका स्नेह भी रखते हैं और कार्यकर्ताओं को मानते हैं। कुछ कार्यकर्ता होते हैं जिनको हो सकता है मानसिकता उतनी अच्छी ना हो, जो कहीं ना कहीं अफवाह फैलाते, कोई अफवाह है,